इसको भी अभी होना था। मैं चेंज कर देता हूँ टायर को। कितना समय लगेगा? माई 15-20 मिनट लग जाएंगे। आप तब तक गाड़ी में बैठिए ना। अत्यारे था वो तू आने पर। एक तो बापूजी ने तबियत सारी न थी, ऊपर थी अत्यारे जाने आ था वो तू। काका धूप में खड़ा होना ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरी गाड़ी ले जाइए। आप माई सुंदरबा और मौसीमा को साथ में ले जाइए, यश गाड़ी चला लेंगे। मैं जैसी गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ, मैं बाकी सबको साथ में ले आता हूँ। हाँ विद्या भाई, यही ठीक रहेगा। ठीक है। ये पांचों साथ में आएंगे? शायद ये जरूरी है इनके लिए, खास करके कुसुम और डैनी के लिए। चले। किरके भास सोने के हर पल भारी है दोनों भाई और दोनों बहनों पे। कुसुम की नज़र सरस पे से नहीं हटती और सरस की कमर पर से। संभालो डैनी संभालो, वरना जल जल मरेगी तुम्हारी कुसुम बेचारी। अरे क्या, बिना तकलीफ पहुंचाए कोई काम नहीं कर सकते ना तुम। देखो कितना खून बह रहा है। डैनी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। भैया हटिए, मैं कर लूंगा। आय हाय, ऐसे कर रही है जैसे जैसे सरस के हाथों पे नहीं दिल पे चोट लगी हो। वैसे भी अब रोकने वाला कौन है? पति ने तो तलाक दे दिया और बहन की शादी हो गई। यार की आजादी मुबारक हो कुमार। कुसुम कुसुम कुसुम, अरे मेरी बात तो सुन। कुसुम कहाँ जा रही है तू? मुझे बहुत घुटन सी हो रही, मैं किसी और से लिफ्ट ले लूंगी। पागल है क्या? अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, फिर चलना ही है। देखो कुसुम,
लिफ्ट लेकर जाना सेफ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता किसी को मेरी इतनी फिक्र है। कुसुम, कुसुम, कभी तो समझदारी दिखाओ। हमेशा टेंशन बढ़ाना जरूरी है क्या? मैं टेंशन बढ़ाती हूँ ना, तो जाने क्यों नहीं देते मुझे अकेले? मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। क्या राइट, अपना ध्यान खुद रख सकती हो तो? मुंह तो ठीक रहता नहीं है तुम्हारा, फसाना भी किसी और को पड़ता है। और अकेली देवपुर जाओगी ना तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से घुटन हो रही है। गाड़ी ठीक हो गई है, जाकर अंदर बैठो। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी।